आनंद द्विवेदी जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। माननीय आनंद हमारे बीच में भाई पार्षद प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद आमिर खान जी, किसान यूनियन भाई और सबसे पहले कृपया आपको बुलाया जाएगा तो मंच से नहीं है। कृपया कार्यक्रम ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब का परिचायक है। आज मैंने रामनाथ जी के विकास के मॉडल को देखकर लखनऊ का जन जन एक परिवार के रूप में संगठित हो उठा है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक वर्ग का समर्थन और एक नारा है, अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार, और लखनऊ बोले 5 लाख पार। 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन माने राजनाथ सिंह जी को सबने संकल्प लिया है। अल्पसंख्यक समाज का आज आप ये हुजूम जो देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे उस संकल्प को सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास से पुनः हम एक खिलता हुआ कमल माने मोदी जी के 400 कमलों में एक यहाँ से लखनऊ से भेजेंगे। नीरज जी, सपा में खींचतान मची हुई है, डॉक्टर अपुष्पकुमार शर्मा भी उतर आए मैदान पर, तो ये जो स्थिति है उसका विधानसभा के सदन को पता है, जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी महीनों से चल रही है। हमारा संगठनात्मक ढांचा खड़ा हो चुका है और विपक्ष अभी तक अपना प्रत्याशी भी अभी तक घोषित नहीं कर पा रहा है। अभी भी उनमें असमंजस की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि विपक्ष राजनीति बताया कि मुझे लगता नहीं है एक चुनौती मुझे लगता है कि वो अच्छे से पर्चा भरना जानते हैं। वो कई बार विधायक रह चुके हैं, अब उन्होंने जानबूझ के क्यों खामी छोड़ी इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। देखिए, इस बार अल्पसंख्यक बड़ी तादाद में जुड़ रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? नामांकन के दौरान भी हमने देखा जगह जगह स्वागत किया मुसलमानों ने। देखिए, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वह सौभाग्य योजना हो जहाँ पर गाँव गाँव बिजली पहुँची, आयुष्मान योजना जहाँ सबको स्वास्थ्य बीमा मिला, चाहे उज्ज्वला योजना जहाँ सिलेंडर पहुँचा घर हर एक घर को 5 किलो राशन पहुँचाने का काम, प्रधानमंत्री जी की किसी भी योजना ने किसी की जात पात धर्म मजहब नहीं देखा, वो पहुँचा तो हर एक व्यक्ति जिसको आवश्यकता उसके घर पहुँचा। इसलिए अल्पसंख्यक समाज जानता है कि जो लोग उनको केवल एक वोट बैंक के रूप में देखते थे, जो लोग केवल मंदिर मस्जिद करते थे, आज उनको जनता ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया। ऐसी समाजवादी कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियों को और भारतीय जनता पार्टी को उस विजन और मिशन के साथ हैं जहां हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।